कहते हैं ना कि कभी ना कभी समय सबका बदलता है और अब ऐसा ही ब्रिटेन के साथ होता नजर आ रहा है। एक समय था जब पूरा हिंदुस्तान ब्रिटेन के अंदर था और हम सब गुलाम हुआ करते थे। पूरा हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर ब्रिटेन की सत्ता काबिज थी। लेकिन आज वो वक्त है कि ब्रिटेन के दो प्रमुख पदों का कार्यभार भारत और पाकिस्तान के लोग संभालेंगे। यानी जिस देश पर कभी ब्रिटेन राज किया करता था, आज उसी देश के लोग ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। अब इसे ही तो समय की ताकत कहते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पद संभालते ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया। उनकी टीम में पाकिस्तानी और भारतीय मूल के मंत्री भी शामिल हैं। प्रीति पटेल जो गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालेगी। साथियों, ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बन गई है। भारतीय मूल की 47 वर्षीय प्रीति ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समर्थकों का प्रमुख चेहरा है। प्रीति पटेल को कंजर्वेटिव पार्टी के मौजूदा दौर में सबसे चर्चित नेताओं में से गिना जा रहा है। जॉनसन की तरह वो भी दक्षिणपंथी रुझानों के लिए जानी जाती है। वहीं पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि साजिद के पिता इंग्लैंड में ही बस चलाया करते थे। दरअसल साजिद जावेद ब्रिटेन के इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले पाकिस्तानी मूल के सबसे पहले राजनेता हैं। साजिद के पिता ने 1960 में 17 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ दिया और इंग्लैंड चले गए। साजिद का जन्म साल 1969 में इंग्लैंड के रोशडेल में हुआ था। जावेद पहली बार साल 2010 में ब्रूम्सग्रोव से सांसद बने थे। उन्हें अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक नेता के तौर पर पहचान मिली। वो इंग्लैंड की सरकार में गृह मंत्री, संस्कृति मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए। जावेद को साल 2018 में जब गृह मंत्री बनाया गया तो इंग्लैंड के पहले नस्लीय अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले गृह मंत्री बने थे। गृह मंत्री और वित्त मंत्री का पदभार किसी भी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में दोनों एशियाई मूल के हैं और पूरे देश को इन दोनों पर गर्व है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।